Hey everyone, this is Simran here and you're watching my channel, My Big Dreams. Hope you all are doing great, guys. तो अभी इस वक्त मैं जा रही हूँ अपनी बालकनी में, क्योंकि हम लोग एक्चुअली निकल रहे हैं मेरे नाना का जो चहलम, एक्चुअली जो 40 दिन को करते हैं वो है आज. मैंने एक ब्लॉग में शायद आप लोगों को इसके बारे में बताया था गाइस कि मेरे नाना का इंतकाल हो गया है. तो देखिए, बातों बातों में आज 37 डेज कंप्लीट हो गए हैं. तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है. हमें एक्चुअली मॉर्निंग निकलना था, लेकिन कुछ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस हम मॉर्निंग नहीं निकल पाए. आज रात में रात भर पढ़ाई करते हैं, जो भी मरहूम जो भी इंतकाल हुआ है उनके नाम से. तो ये व्लॉग सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये एक दिन हमारे लिए यादगार रहे. हम वैसे तो कभी भी नहीं भूलेंगे उनको, लेकिन कैसे हमने सब किया वो भी याद रहेगा इसलिए. और हम लोग जा रहे हैं रामनगर. अभी बैंगलोर से हमें रामनगर ट्रैवल करना है, क्योंकि एक्चुअली इंतकाल मेरे बड़े मामा के घर में ही हुआ था. तो सब जो भी फातिहा एंड स्टार्टिंग टू एंड तक है वो सब उन्हीं के घर में होंगे, इसलिए हम लोग वहीं जा रहे हैं. अभी ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए गाइस, शाम के 6 घंटे हो गए हैं. तो अभी थोड़ी देर में मज़र आ जाएंगे तो फिर हम लोग निकल जाएंगे. तो अम्मी ऊपर क्या कर रही है चलिए उसके बाद देखते हैं. और ये व्लॉग में आप बने रहिए, जो भी खास खास होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. प्लस मेरे इंस्टाग्राम में 2-3 लोग पूछ रहे थे कि जो भी मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो पूछ रहे थे कि अपने घर का जो अपने घर लिया है वो रिव्यू तो आपने डाला था, ब्लॉग डाला था, लेकिन पूरा आपने बोला था कि सेटअप करने के बाद आप डालेंगे, लेकिन डाला नहीं. तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि घर का सेटअप कैसे किया है मैंने. बस ये थोड़ा हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ दिखाऊँगी, शेयर करूँगी. तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे, वो भी मैं शेयर करूंगी. और शाम में जो भी होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी. अम्मी के घर में शाम की चाय मेरे लिए फिक्स है गाइस. शाम में जब भी चाय बनाती है तो हमेशा मुझे बुलाकर ही साथ में पीती है. तो अम्मी साथ में रहने का एक बहुत बहुत अच्छा फ़ायदा है कि कुछ भी बनाओ तो पहले मुझे बुला देती है और शेयर करती है, उसके बाद ही खाती है. तो ऑलमोस्ट सब लोग तैयार हो गए हैं, बस वेट कर रहे हैं कि मज़र और मेरा भाई जो है वो आ जाए तो हम निकलें. तो देखिए, पता नहीं यहाँ थोड़ी अम्मी की जो माया जो प्यार है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है मेरे लिए, इसलिए मुझे ये खिला रही है. तो चलिए चलते हैं. ये सब लोग आ गए हैं गाइस, हम रामनगर पहुंच गए हैं. यहाँ का मैंने कुछ इतना ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि रात 10:30 बज गए थे पहुंचते. तो देखिए, मैं आराम से यहाँ पे एक वॉल का सपोर्ट लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि आजकल मुझे बैक पेन बहुत बहुत ज़्यादा है गाइस, इसीलिए. तो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं. जो भी ये पढ़ने के लिए आए थे गाइज, उनका डिटेल्स और नंबर मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बैंगलोर में ये सब रेयर है आई थिंक. सो मुझे तो पता नहीं अभी तक ऐसे कोई लोग होते होंगे गांव में, रूरल साइड सब ये बहुत ज़्यादा चलता है. तो इनका मैंने फुल डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नंबर है, डिटेल्स है. अगर आपको बुकिंग वगैरह करनी है तो आप 4 डेज पहले ही कर सकते हैं. और इवन दो नॉट इवन ओनली चहलम, आपके घर में जो भी फातिहा शरीफ हो, आप रात भर जो नाइट में पढ़ाई रखते हैं वो सब अगर करना चाहते हैं तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. तो डिटेल्स आप एक बार डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके ज़रूर चेक कर लीजिए. और प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो बैंगलोर में तो ये सब बहुत ज़्यादा चलता है, 11वीं शरीफ हो गई, 12वीं हो गई, ये सब सारी चीज़ें जो है
बहुत ज़्यादा चलती है, तो इसलिए मैं ज़रूर से डालूँगी। तो आप अगर कभी भी चाहे तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने घर बुला सकते हैं। और ये कहीं भी आते हैं गाइस, लाइक 100 किलोमीटर्स भी अगर आप फार हैं तो ये लोग वहाँ भी आने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैंने सब पूछ कर ही डाला है। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम इफ़ यू वॉन्ट समथिंग लाइक दिस। तो चलिए स्टार्ट हो गए। कई साल हिसाब किताब होने के बाद नेक आमाल ही अच्छे आमाल ही तो साथ जन्नत है, अल्लाह पाक साथ जन्नत भेजते ही। बुरे आमाल ही गुनाह कर कर ही तो अल्लाह पाक साथ दो रखे साथ दो भेजती। ये नहीं हमें जाए मक्फिर करे चेहरे में कर जन्नत में अल्लाह भेजा ले जन्नत में आराम से रहते वैसा नहीं है। कई साल कयामत के सच भी अल्लाह खबर के अंदर ही रखती। दरूद शरीफ पढ़ना मौत की याद करें, अल्लाह हमारा मौत अच्छी दे, खाते हुए खैर मौत अपना आराम की अच्छी मौत दे, सकरात के आलम में बचा, ये दुआ करना। जब सुबह उठे दरूद शरीफ पढ़ना, कलमे तैयबा पढ़ना और मौत की याद करना, सकरात की याद करना, ये नहीं मरीजों को याद करे चेहरा तय करे फिर हमारे घर को भूल गए नहीं। मौत को जितना याद करती मौत उतनी आसान से अल्लाह पाक रूह हमारे जिस्म से तहलील करती। मौत ऐसी शह नींद की बड़ी बहन है, मौत से भी कभी बचने नहीं होता। ये इतराज ऐसे पैगंबर आए अल्लाह ताला उनको मौत दे। दादा आदम अस्सलाम की उम्र 4000 साल फिर भी मौत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले किसी की उम्र 2000 साल 1000 साल 5 साल उम्र थी। आखा दो जहां सर्वे कायनात बफंदरे मौजूदा अबुल कासिम अहमदी मुजतबा हुजूर मौत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 पर 3 साल थी। उनके पहले 1000 साल उम्र थी। हमें मौत से नहीं घबराना, जैसा मरहूम चार पाशा दुनिया शुक्र अल्लाह के ऊपर की तरफ गए हम तमाम कोई बारी बारी एक दिन अल्लाह के जाने। जैसा आज हम तमाम से पहले हमें मौत की याद करना, नमाज की पाबंदी करना, रमजान के रोजे रखना और सबसे पहले माँ बाप की दिल से खिदमत करना। जब तक हमें अपने अपने माँ बाप की दिल से खिदमत इज्जत अदब नहीं करते हमारा नमाज हमारा रोजा हमारी 11वीं 12वीं कोई चीज अल्लाह पाक कबूल नहीं करते। माँ के दूध के खतरे का एहसान, बाप के खतरे खून का एहसान, हमारे जिस्म का पूरा चमड़ा को चप्पल नहीं लिबास चुका सकते। जब तक माँ बाप सर को ही दिल से खिदमत करो इज्जत करो, जिनके माँ बाप नहीं उनकी मफलत से दुआ।
बच्चे समझूँ चार पाँच चार जाते हुए पहुंचे और जनरल सुविधा की बात बोले तो कहना है 72-70 बोधलबान साहब के भैया करे वो कश्ती में बैठिए उनके बेटे हाफिज अब्बा जान तुम्हारे पास में मुरीद नहीं होता तुम्हारी कश्ती नहीं बैठा मुझे बचना मानों को एक लड़के का सुंदर बाक्स बनाए उसके अंदर बैठे ढाकन मुश्किले अल्लाह का खैर और नाजिल हुआ पानी में उबाल तूफान आया आते आते कश्ती पर जारी है पूरी दुनिया डूबकी कश्ती में जितने बैठे वो बैठ को छी जो बाक्स बैठे उसके सड़कों स्पेश भर गए उनके मरने के बाद उनके संग से आप ये बार अगर जिसके बाल जड़कों पर चेहरा गला उन लोग पैदा हुए जो कश्ती में बैठे दरूद शरीफ पढ़े बिस्मिल्लाह इला हमदों को चढ़े तो पूरे बच तो उसकी बरकत से नूह की कश्ती आबाद हुई हो गया नूह का आसान सफर बिस्मिल्लाह हो गया नूह का आसान सफर बिस्मिल्लाह खलील गिरते ही खलील का तो बबर से खलील इमाम ही उन्होंने मुसलमान 40 दिन बेहोश रहे जब होश में आए पहाड़ पर जो मुसलमान अगर फिर चढ़े फिर सलाम करे मुसा क्या अल्लाह तुम ये पर्दा उठे मेरा ये हाल ये हुआ मैं 40 दिन बेहोश लगा पहाड़ जो मुसलमान भी व्यक्ति का हुआ अल्लाह उन्हें देखती अल्लाह और एक पर्दा उठे तो जिन्होंने खाना ला खाए थे जिन्होंने ये पूरा पूरे गोष्ठ राशे उन्होंने खड़गो खड़ी सुनो तो मूसा को प्रश्न बोल जाता है अल्लाह क्या है अल्लाह पूछते में किसका गोष्ठ होगा सोला किसका बोले सो तो याद रखिए भगवान निशान होना इंसान का गोष्ठ मूसा साहब मैं तुम ना बोला इंसान का गोश्त लगाओ तुम्हें कौन पूछती अल्लाह कौन मुसल इस्लाम अल्लाह के पैगंबर पर इंसान इस्लाम तुम्हें तुम्हारा गोश्त दिया नहीं जमीन के ऊपर गए पूरे घर फिर 30-15 दिन टुकड़ा गोश्त जो कोई जगह ना पोगो तुम्हारा कोई भी नहीं दिए क्यों मजबूर होकर छाड़ के चे बढ़ गए ये अल्लाह वाले फकीर नवसर उमर मजबूर भूखे तुम ना बोले खाना खिलाओ मेरे पास देखूं मैं खाना ला खिला को ये टुकड़ा मेरा नाम बोल को पूछ को परिश्रम का गोश्त आसना फकीर ने मई को रूप लगाया था समझ में नहीं आया अभी सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह आमीन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे तुम्हारा दिल देखते तुम्हारी नियत देखते मैं रूप लगा को पूछा तुम इतना खाना कर रहे गोश्त मई फकीर ने मई चाह सुना तो तुम नहीं चले गए बेहोश में मुसा कलीम चल के चारम परवाही सा का सफर बिस्मिल्लाह शाम तक कितने हमें झूठ बोलती गुनाह करती हमारे क्या करते याद रखते हमारा काम क्या अल्लाह तबारक रह के हमारे गेट पर निगाह रख हमारे हमारा माल दबा रख अल्लाह तबारक रह के माल पर निगाह रख हमारा माल दबा रख सुबह उठनी हमारे सामने आती अल्लाह के फरिश्ते जो खबर के अंदर आती उनका नाम मुनकिर और नकीर आपको ये पूछती पति कितना कमाया कितने सेना बनाया है बीवी कितना माल बनाया है घर में कितने बिलू पैसे वो नहीं पूछते मन रबू का बोलते रब का नाम क्या मन नबियों का तू कौन से नबी का कलमा पढ़ने वाला मन दीनू का मन इस्लामों का तू कौन से दीन का इस्लाम का मानने वाला ना वह सेना पूछते ना वह जमी का रिश्ता पूछते ना वह माल पूछते ना आम के बाबा पूछते ना रेशम पूछते क्या पूछती तीन चीज जवाब दिए तो अल्लाह उनको जन्नत में भेजती नहीं दिए अंगार के गुर्जा आती सर्पो मतलब सारा जमीन अंदर आती तालू के पाल से उठाती फिर सवाल करती फिर मारती फिर अंदर आती अगर इन्हें दुनिया में आया नेकियां गया नमाज पढ़ा कुरान पढ़ा खिदमत कराया ग्यारहवीं कराया बारहवीं कराया छठी कराया दसवां बीसवां चरम छब्बीस बरसी कराया मुरीद हुआ उसके जिसम को क्या
खुदा की कसम कफन को भी धक्का लगता है। तो कहना क्या है, पानी खाली घर बना बच्चा बोले बेटे खाना पकड़ा, इमाम उसे इमाम सात साल के बच्चा भी भूल गए बेटे खाना पकड़ा, जब पकड़ाया धुआ रहा है खाली हंडी। आज हम ये कासा खर्चा नहीं दिए शुरू कहान हल्ला बढ़ा किसे की देख लिया वो क्या ही कर ले किसी की दे रहा है ले रहा नहीं शुरू पाप पीछा रहे उन्हें क्या करता है सुन सुन को सही शुरू हो जाता है गुस्सा में बोल उनको। एक छोटा वाक्य अली शेखा की बीवी इमाम हुसैन की अम्मी जान की तमाम औरतों के माँ एक दिन बल्कि तमाम को बिठाकर जब भी मैं पर्दा करो दुनिया से मेरा पर्दा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा अंधारे में लेकर जाऊ। कब जाना? सुबह को जोहर को असर को नहीं अजना उसमें अकल वाले पूछती है अरे अम्मी जान अम्मा जी क्या अवस्था धर जाना तो बीफाती ताकि मेरे जनाजे के ऊपर सूरत के ऊपर नहीं हमारे हाथा के ऊपर जेवर के ऊपर मेका के ऊपर रस के ऊपर नहीं जनाजे के ऊपर तीन पदर कफन आता है उसके ऊपर कपड़ा उजला उड़ाती उसके ऊपर टाप डालती उसके ऊपर कपड़े के दो गले फाड़ती उसके ऊपर फूल के गले फाड़ती क्या दिखता है जनाजे के ऊपर भी गैर मर्द पानी की नजर नहीं पड़ना। किसकी गैर मर्द कौन चन्नापा रामापा गौड़ापा नहीं जिन्होंने नबी का कलमा पढ़को नहीं मेरे अब्बा जी का कुरान पढ़को नहीं इस्लाम को कबूल पढ़को नहीं उनकी नजर भी नहीं पड़ना। चंद दिन के बाद बी फादर खान अम्मी जान का पर्दा होगा दुनिया से साल होगा घर वाले गौर से सुनो ये घर वाले नहला धुला को जनाब मस्जिद को लेकर गए नमाज अदा करने के बाद गंज खाने को कब्रिस्तान को लेकर गए दफनाने से पहले कब्र के बाजू रखती जनाजा कोई देखने वाले ही का पूछती अगर दिखाना है दूर से ही दिखा दी नहीं तो अंदर खबर कर क्या पा कर वो बात उठा वो खबर में मौता बोलती वो रखने से पहले अबू दर गफारी रजू के असाबी बी फातिमा की पीर भी खबर को सलाम करती हमें भी कहते थोड़ा सलाम करना हमें क्या करते बेटे कोई बेपार की बात करते कई साल अमली में अमले में इबार लाशी थी आम में कैसा अल्लाह के बाद जरा बार थोड़ा लाशी थी रेशम में कैसा वहाँ घर के भाड़े के बात बीवी के बात वो बातें करते नहीं करना खबर बातें देखना खाना नहीं खाना कभी खजूर पहले फाग लेते फातिहा छोड़ते घर पहले खा जाते पहले खबर दफना को फाते गेट मर को देते खा ले खाते अब क्या बोलो मटन इसलिए कहते हैं जब पूरे भुखरा शुरू होती खाने का नहीं खाना खबर समझ जाएगी खबर को सलाम करती अस्सलाम का है कबूल आज तेरे अंदर हुजूर की बेटी अली शरफदा की बीवी इमाम हुसैन की माँ हमारे पीरान इमाम अम्मा जी तेरे में तशरीफ लाए तो गुले गुलजार बन जाओ जन्नत बन जाओ। ये सवाल करे ये तो पहले का कुछ समय था गाइस जिसमें ये बैक टू बैक इतनी अच्छी बातें दीन की दुनिया की इतनी अच्छी बातें बोल रहे थे और बैक टू बैक बहुत चीज़ें कर रहे थे एक मिनट भी ऐसा नहीं था कि हम लोगों को लगा कि बस सो जाना चाहिए तो 5-6 घंटे का ये पूरा इनकी पढ़ाई और जो भी इन्होंने कर रहे थे वो सब चला लेकिन ये मर्ज करके बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था तो मैंने दो पार्ट में से बनाया है ये पहला पार्ट है गाइस नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेन मजा उसमें आएगा आपको तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कर